हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रभा आज लेके आई हूँ बिरयानी ग्रेवी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच मैं यहाँ पे मूंगफली लेके से ड्राई रोस्ट कर लूंगी। मूंगफली को हमने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे भून लिया है। देखिए इस पे कलर आ गया है और खुशबू भी आ रही है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ सफेद तिल। 2 से 3 मिनट इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज हो गया है, ये फूल भी गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ग्रेटेड कोकोनट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 चम्मच। इसको आधा मिनट के लिए हम भून लेंगे, कलर नहीं चेंज करना है। आधा मिनट हो चुका है, 30 सेकेंड हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। मूंगफली ठंडा हो चुका है, इसको हम मसल के और इसके इसका छिलका रिमूव कर देंगे। ऐसे हमने कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है, इसमें 1 चम्मच जाएगा ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 1 प्याज हम रफली चॉप करके डालेंगे। 5-6 कलियां डाल रही हूँ मैं लहसुन की, ये भी रफली चॉप। 1 इंच अदरक, इसे हम 3-4 मिनट ऐसे ही सौते कर लेंगे। अनियन को हमने 3 से 4 मिनट ऐसे लाइटली सौते कर लिया है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें 2 रफली चॉप डाल दूंगी मैं ग्रीन चिली, हरी मिर्च, 1 रफली चॉप टोमेटो, इसे भी हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। इसे हमने 2-3 मिनट सौते कर लिया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये हमने जो प्याज टमाटर ये सब हमने सौते किया था, ये ठंडा हो गया है। इसमें हम ये भुनी हुई मूंगफली जिसका हमने छिलका रिमूव कर लिया है, तिल, नारियल, ये सब एक साथ पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे हम। ये 2 चम्मच हम यहाँ पे पुदीना भी डाल देंगे, ये थोड़ी सी पुदीना की पत्तियां। इसे हमने पीस के देखिए इसका ऐसे पेस्ट बना लिया है। अब सेम कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 तेज पत्ता गया, 1 ये दालचीनी की स्टिक जाएगी, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1/2 चम्मच में डालूंगी जीरा। जीरे को हम पका लेते हैं। जीरे को हमने 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे पेस्ट जो हमने पेस्ट बना के रखा है। पेस्ट को इसमें हम थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही में हम डाल देते हैं मसाले। 1/2 टेबल स्पून जाएगा यहाँ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर, घर की कुटी हुई है इसलिए कम डाल रही हूँ, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी यहाँ पे सॉल्ट। इसे हम अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट। मसालों को हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। देखिए इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी, 1 गिलास में डाल रही हूँ पानी और इसे अच्छे से 10-12 मिनट हम पकाएंगे। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा या थोड़ा पतला। इसे हमने 10 से 12 मिनट पका लिया है अच्छे से। इसमें जाएगी हरी धनिया और हमारा सालन तैयार है बनके। सो फ्रेंड्स, आपको बिरयानी ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।